because of event managers. We're very grateful for that. They've opened up a new revenue opportunity for everyone. But they've also opened up an opportunity of celebration. Because at the end of the day, as hotels, we celebrate. नमस्कार, मैं अरशद हुसैन जयपुर डायलॉग सीरीज़ में आपसे फिर से मुखातिब हूँ. और आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, जो कि वैसे तो जनरल मैनेजर हैं होटल जय महल पैलेस के. हम इनको वरुण निगम के नाम से जानते हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जो नॉर्मली जो आप होटल्स के जीएम देखते हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं. आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सोशल कॉजेज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, और जो जो चीज़ें जो मैंने आपसे बातें की वो चाहते हैं कि उनके स्टाफ में, उनके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उन सब में भी वो सारी चीज़ें हों और उसे वो लोग एंजॉय करें. तो हम वरुण से बात करते हैं इवेंट मैनेजर्स डे जो हमारा सेलिब्रेशन आ रहा है उसकी इस सीरीज़ के तहत. आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण साहब. अर्शद भाई, थैंक यू. जितने लोग ये प्रोग्राम देखे हैं, जिन तक ये ध्वनि पहुँचे हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम एंड खमा गणी टू ऑल. As I told them, you know, the gestures are proving the same thing. वरुण साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि होटल्स तो पहले भी बिजनेस कर रहे थे, आपके साथ टूर्स ऑपरेटर्स भी थे, लेकिन ये इवेंट मैनेजर ने जब से आपकी बिज़नेस के अंदर एंटर किया है तो क्या तब्दीलियां आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, ओवरऑल फ़ायदा बहुत हुआ है. मार्केट और ओपन हो गया है बिकॉज ऑफ इवेंट मैनेजर्स, और जिस क्रिएटिविटी और जिस अंदाज से उन्होंने इवेंट्स को दर्शाया है या उनको प्रस्तुत करा है, उससे फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं, डेस्टिनेशंस खुल गई हैं. किसी ज़माने में हाँ जयपुर में शादियाँ होती थीं पर एक सर्टेन प्राइस पॉइंट हुआ करता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ इवेंट मैनेजर्स उनका इम्पैक्ट इतना होता है कि यू विल सी होटल्स ओपनिंग फॉर ऑल प्राइस पॉइंट्स. और उनका खास करके खोलने का मकसद ये होता है कि वो माइस को कैसे कैप्चर करें, दैट इज़ द प्रायोरिटी. जितने भी अब मोस्टली नए होटल्स खुलते हैं हमारे, फॉर इंस्टेंस आप उसमें देखेंगे, उसमें माइस को तवज्जो बहुत दिया जाता है. वो इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ इवेंट मैनेजर्स, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, देव ओपन्ड अप अ न्यू रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, बट देव ऑल्सो ओपन अप एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिब्रेशन. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज होटल्स वी सेलिब्रेट, वेदर इट्स लग्जरी नॉन लग्जरी, वी सेलिब्रेट. सो वो सेलिब्रेशन के कई सारे ऑप्शंस एंड पॉइंट्स बिकॉज ऑफ इवेंट मैनेजर्स वो खुल गए, उससे फ़ायदा सबको है. वेदर यू आर इन द बिजनेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग हॉस्पिटैलिटी, सो वो सभी को होता है. और जब कोई एक ऐसे इवेंट आता है या कोई बड़ी शादी आती है किसी शहर में आती है, तो शहर का भी बड़ा फ़ायदा होता है. उसमें जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि टूरिज़्म आता है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, लोग आपके शहर आए, आपकी दुकानें देखी, आपको जाना, आपको पहचाना, क्योंकि एक बार वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वापस जाएंगे, वो 10 लोगों को बताते हैं, वो अपनी छुट्टियाँ प्लान करते हैं, दे बिकम आर ब्रांड एम्बेसडर. सो एक डेस्टिनेशन खुल जाता है तो फिर और बड़ा हो जाता है. तो इसमें इवेंट मैनेजर्स की जो क्रिएटिविटी और जो मेहनत है सालों की जो अब दिखती है, उसका बड़ा फ़ायदा हम सबको हो रहा है. तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच. की तरफ से पूरी इवेंट इंडस्ट्री की तरफ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि चीज़ें अब हम एक ऐसी जगह पे ले आए हैं जहाँ पे से चीज़ों को और बेहतर करना, क्योंकि लोगों की उम्मीदें होटल से इवेंट मैनेजर से बहुत ज़्यादा हैं. जब भी वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी आए तो वो मुँह मोड़ करके सिर्फ हम दोनों की तरफ देखते हैं. तो उनको बेहतर बनाने के लिए, इस पूरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए, किधर आगे बढ़ना चाहिए हमें? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत अपनी ज़िंदगी में मानता हूँ, फुल स्टॉप यानी कि विराम नहीं लगना चाहिए, कॉमा लगना चाहिए. सो एक ग्रोथ के बाद देयर शुड बी अ ब्रीफ पॉज, जिसमें आप इवैल्यूएट करें कि ये जो ग्रोथ हुई अभी हमारी,
उसमें क्या अच्छा था और कहाँ ऊपर और जा सकते हैं. हम लोग कॉलेज में जब स्टडीज़ करते हैं सिखाया जाता है एक स्वॉट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. सो मैं हमेशा स्वॉट नहीं करता लेकिन मैं स्ट्रेंथ्स देखता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ. सो हम लोग एक मुकाम तक तो पहुँच गए हैं, अब उसके ऊपर भी हमें जाना ज़रूरी है, नहीं तो एक चीज़ होती है सैचुरेशन एंड मच्योरिटी, वो अगर आ जाएगी तो फिर वो प्लेटो हो जाता है. सो आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर एज एम्बेसडर्स ऑफ द डेस्टिनेशन एंड द सिटी. आई थिंक हमारा काम यह है. सो एज इवेंट मैनेजर्स, एज होटेलियर्स, एज बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस ओनर्स ऑफ ए लोकेशन, हम सबको एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दैट सिटी हमें सोचना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं और क्या पेशगी ला सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, कुछ नया क्या कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ लुकिंग इंटरनेशनल, मेरा ये मानना है कि हमें विद इन आर कंट्री, विद इन डोमेस्टिक रिसोर्सेज क्या है जो हम लेवरेज और कर सकें, और क्या खूबियाँ हमारे देश में जिनको हम और निकाल सकें और इंट्रोड्यूस कर सकें. तो उससे क्या होता है, एक ऑप्शन और बढ़ जाते हैं. अभी अगर हम मान लीजिए फर्ज करिए हम तीन ऑप्शन दे रहे हैं तो 3.5 ऑप्शन मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज यू एडेड समथिंग न्यू एंड यू फर्दर इवॉल्व योर इंडस्ट्री. तो अगर हम एवोल्यूशन करेंगे तो हम ऊपर हमेशा बढ़ते रहेंगे. सो आई थिंक हमें एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ आर लोकेशन सोच कर साथ मिलकर हमें वो कदम लेने बहुत ज़रूरी है. वरुण सर, और इवेंट्स में किस तरफ और हमको मतलब आपको लगता है ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, गुंजाइश है? देखिए ग्लोबली एक वर्ड चल रहा है आजकल कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी. आप कई जगहों पे कई बिजनेस एंटिटीज़, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हों या छोटे छोटे बिजनेसेस हों, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल, आप ये वर्ड सुनेंगे सस्टेनेबल मॉडल्स अपनाओ. तो ये सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि जो हमारा प्लानट है वी आर गेटिंग इट रेडी फॉर आर यंगर जनरेशन. जो हमारे से जो यंगर जनरेशन उनके लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, उसको बचा कर रख रहे हैं. तो हमारा एक फ़र्ज बनता है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है टू बी सस्टेनेबल. तो हम जो भी काम करें एनवायरनमेंट के प्रति, अब जैसे फॉर इंस्टेंस जयमहल पैलेस में कई सारे इकोसिस्टम्स हैं, हम लोग हैं, हमारे पक्षियाँ हैं, आपने कई सारे मोर देखे होंगे, लैपविंग्स हैं, पानी आता है, कई सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इतने पेड़ हैं, इतना सब कुछ है यहाँ पर. सो हमें उन सब के लिए सोच कर उनके लिए काम करना ज़रूरी बनता है. सो फॉर इंस्टेंस जैसे हम लोग यहाँ पर वाटर सेविंग मॉडल्स चलाते हैं, जो हम पानी छोड़ते हैं अपने पौधों के लिए, वो हमारे पक्षी, हमारे मोर ये सब पीते हैं. सो वी मेक श्योर दैट दोज दैट वाटर इज़ क्लीन एंड इज़ कंज्यूमेबल. इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो गई, क्योंकि फिजूल का खर्च खास करके जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे वो, उससे हमें थोड़ा सा बच के और दूर रहना है. अब जैसे हम लोग पिछले 4-5 सालों से अब लगभग अर्थ चेक एक सर्टिफिकेशन होता है एनवायरनमेंट का ग्लोबल, उसकी मान्यता है और हमको मिलता हुआ आ रहा है. रामबाग पैलेस को प्लैटिनम मिला, वो भी कई सालों से क्योंकि करते आ रहे हैं. तो ये सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स हैं और ये हमारी तरफ से कोशिश है टू कीप जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको एटलीस्ट एनवायरनमेंट के प्रति जितना उसको साफ रख सकें, जितना अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकें, उतना हम उसकी कोशिश और मेहनत करते हैं उसके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात की बहुत मज़ा आया और आपने ये जो हम लोगों को टिप्स दिए हैं, जो बातें बताई हैं, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद माय इंडस्ट्री पीपल. और मैं तमाम इवेंट मैनेजर्स जो हैं उनकी तरफ से आपको अश्योरेंस देता हूँ कि हम भी एनर्जी सेविंग के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर डेफिनेटली वी वुड लव टू वर्क विथ यू. थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, GM Jai Mahal Palace, Mr. Varun Nigam. It was wonderful talking to him. Thank you, sir. Thank you.